नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा जितेंद्र और राजेश खन्ना का है। जब जितेंद्र को देना था अपनी पहली फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट, राजेश खन्ना पूरा दिन बैठा कर डायलॉग रटाते रहे। राजेश खन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी समय से फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं पहुँचते थे। अगर शूटिंग सुबह से है तो उन्हें आते आते शाम हो जाती थी, लेकिन उनका काम इतना शानदार रहा कि इन सभी बातों पर भारी पड़ा और आज भी राजेश खन्ना के काम की सराहना की जाती है। उनकी जिंदादिली के किस्से आज भी उनके साथ काम करने वाले सुनाते हैं। अभिनेता जितेंद्र ने भी इसी तरह का एक किस्सा सुनाया था, जब काका पूरा दिन बैठकर उन्हें डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करवाते रहे। जितेंद्र ने इस बात का जिक्र सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 6 में किया था। शो पर वो बतौर मेहमान आशा भोसले के साथ आए थे और राजेश खन्ना को याद करते हुए जितेंद्र ने कहा, बहुत ही उम्दा तरीके से राजेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया, तभी तो लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। जितेंद्र ने आगे ये भी कहा कि वो ड्रामेटिक के काफी शौकीन थे। कॉलेज में, स्कूल में, हर ड्रामा में वो हिस्सा लेते थे। मैंने कभी नहीं लिया। जब मैं फिल्मों में आया और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया, तब उसने जय हिंद कॉलेज की कैंटीन में बैठकर मुझे रियाज करवाया कि मुझे स्क्रीन टेस्ट में बोलना क्या है। सुबह से लेकर शाम तक वो मुझे रटा रहा था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आशा भोसले राजेश खन्ना को याद कर बेहद भावुक हो गई और उन्होंने कहा, जब गाना बनता था उस वक्त राजेश जी आकर बैठते थे, पंचम गाना बनाते थे, वो सब याद आ रहे हैं मुझे। मैं इतना ही कहूंगी कि बस अब हम भी लाइन में हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना ने साथ में पढ़ाई की थी, लेकिन जहां राजेश खन्ना जल्द ही फिल्मों में आ गए, जितेंद्र ने काफी समय बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से जितेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इस फिल्म में ब्रेक के लिए राजेश खन्ना ने जितेंद्र की खूब मदद की और उन्हीं की वजह से जितेंद्र फिल्म के लिए फाइनलाइज भी किए गए थे। जितेंद्र का फिल्मी करियर भी काफी सफल रहा। उन्होंने हिम्मत वाला, तोहफा, जुदाई, फर्ज, औलाद, अर्पण, मवाली जैसी बेहतरीन फिल्में दी। उनकी बेटी एकता कपूर भी काफी कामयाब हैं और वो टीवी शोज की क्वीन कही जाती हैं। जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं रहा। लेकिन जितेंद्र तो जंपिंग जैक हैं, थे जंपिंग जैक और आज भी जंपिंग जैक के तौर पर ही याद किए जाते हैं। जितेंद्र आज भी एक तरीके से यूं लगता है कि अपनी उम्र को थाम लिया है। आज भी वैसे ही लगते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।